नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के इरोड के आसनूर के पास लगातार 6 लोगों की मौत। पहाड़ी ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इरोड जिले के थलामलाई पंचायत के थलावाड़ी तालुक के पहाड़ी गाँवों थडाती इट्टाराई में 45 घर और इट्टाराई में 65 घर है। यहाँ के लोग ग्रामीण है जो आदिवासी समुदाय से है। वे ज्यादातर मजदूरी और मवेशी पालने में लगे हुए हैं। पिछले 16 दिनों में ताड़ास्लाटी और इट्टाराई गांवों में 40 लोग उल्टी से पीड़ित हुए हैं। मावनंथम पहाड़ी गांव की 65 वर्षीय मरम्मा, 75 वर्षीय रंगा, 85 वर्षीय माथी, 67 वर्षीय मारे और इट्टाराई के 60 वर्षीय गैलेन समेत 6 लोगों की मौत हो गयी। ये घटना जंगल में आग की तरह फैल गयी। इसके जवाब में इरोड स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक सोमसुंदरम ने घटनास्थल का दौरा किया और चिकित्सा कार्य के बारे में जानकारी ली। ये बात थडासलट्टी और इट्टाराई पहाड़ी के ग्रामीणों ने कही। हमारे शहर में बिजली की कमी के कारण पिछले 16 दिनों से पीने का पानी नहीं था, इसलिए हमने धारा से पानी लिया और लगातार 5 लोगों की मौत हो गई। पानी के साथ साथ शहर के पास स्थित पुरानी पानी की टंकी भी काफी जर्जर हो चुकी है। नई ऊपरी स्तर के जलाशय के निर्माण के 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसमें पानी नहीं आ रहा है। हम अच्छे स्वास्थ्य में नहीं हैं। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें घने जंगल में 4 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जहां जंगली जानवर घूमते हैं और बेजलट्टी तक जाते हैं और वहां से तलावी और सत्यमंगलम तक जाते हैं। अगर बारिश नहीं होती है वहाँ उचित टाचला सुविधा नहीं है। अधिकारियों ने आकर पानी का परीक्षण किया लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया, सिर्फ दवा की गोलियां दी। नेता हमारे शहर में सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई देखता तक नहीं। थाला मलाई पंचायत के मुखिया नागन कल ही आए थे। शुरुआत में हमने कई अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया। अधिकारियों की लापरवाही से 6 लोगों की मौत हो गई है। हमें नहीं पता कि बिजली कब आएगी। 2006 में सड़क बनने के बाद से इस गांव में कोई सड़क नहीं है, हम कच्ची सड़क का उपयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु से सुब्रमणि की रिपोर्ट। எல்லாமே இப்ப தொடர்ந்து இறந்து வரும்போதுதான் எல்லாமே வந்துருக்கேங்க சார். அவ்வளவு பஞ்சாயத்து தலைவர் பேருங்க நாகன் சார். நாகன் அதிகாரிகள் வந்து பாக்குறாங்களா உங்க இந்த கிராமத்துல எல்லாம் வந்து யார் பாக்குறாங்க? அதிகாரி யார் பாக்குறாங்க? மக்கள் யார் பாக்குறாங்க? கரண்ட் 3ஆம் தேதி கரண்ட் வந்துச்சுங்க. தொடர்ந்து கரண்ட் இபிஐல அது ஒரு 5 நாள் கட் பண்ணிட்டாங்க. கரண்ட் இல்ல, கரண்ட் இல்ல போச்சு. அப்படியே இருக்கு சார். நம்ம 5 நாள் கரண்ட் இல்லாம தண்ணி வசதி இல்ல. என்ன இது கொடிக்கல் தான், கொடிக்கல் கொடிக்கல் தண்ணி எடுத்து குடிச்சுதான் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு சில பேர் சொல்றாங்க. சொல்றாங்க, அது நல்லது சொல்றாங்க. அது நம்ம என்னன்னு தெரியல சார், நமக்கு அதை பத்தி நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ஆமா, அந்த டெஸ்டிங்ல வந்து அதிகாரிகள் எடுத்துட்டு போனாங்களா? அந்த டெஸ்ட் பத்தி கேட்ட என்ன கேக்குறீங்களா? கேட்டீங்களா? கேட்டேங்க, அது ஒண்ணும் சொல்லுங்க. நமக்கு என்ன சொல்றாங்க? ஒண்ணும் தகவல் இல்லைங்க. உயிரில இருந்து இது எப்படி ஆச்சுங்கிறது அந்த ரத்த டெஸ்ட் எடுத்துட்டு போனாங்களா? எடுத்து போனாங்க. என்ன கேட்டீங்களா? ஒண்ணும் தெரியலங்க சார், தெரியல.